सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मेरे ऐसे तो सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज और भी प्रार्थना है और मैं हमेशा कहता हूँ प्रार्थना प्रार्थना होती है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे और आज जो वचन दिया है टाइटल थंबनेल हमने देख लिया। बिल्कुल देखो, समय परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए तो याद रखना विपत्ति मुसीबत समय ढूंढ रहा है हमारे लिए और पलक झपकते ही वो समय हम पर आ पड़ेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज की प्रेयर समझाना सब आपकी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे जो एक फोटो कल टेम्पल की है, चर्च की, हैदराबाद की, और अद्भुत चर्च है वो। कभी हो सके तो वहाँ जरूर जाना। हालेलुया। तो आज का टॉपिक पे हम बात करेंगे कि समय समय देना परमेश्वर के लिए जरूरी है। हर चीज़ हमें चाहिए लेकिन हम पे समय नहीं है। जो व्यक्ति समय नहीं दे सकता वो कभी भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए समय दो, ऐसा ना हो कि शैतान मुसीबत हमारे समय निकाले। क्योंकि जब हम परमेश्वर को समय नहीं देते तो शैतान हमारे समय निकालता है। और क्यों देना हमें समय? वचन कहता है इफिसियों 5:16 लिखा है, अफसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अफसर को जो अवसर मिल रहा है नाइट पीरियड का, फास्टिंग का, जो अवसर मिलता है आपको चर्च जाने का, जो अवसर मिलता है आपको वीडियो देखने का, सुनने का 8 बजे का, उसको बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक्सीडेंट का केस बढ़ रहे हैं और बीमारी, महामारी, भूकंप, तूफान, आंधी सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि बीमारी, हार्ट अटैक और बहुत कुछ ऐसा बढ़ रहा है। दूसरा, बच्चों में अश्लीलता के लक्षण बढ़ रहे हैं, अश्लीलता का एक वायरस बढ़ रहा है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन कब रुकेगा? जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, जब हम और आप प्रभु के लिए समय निकालेंगे तभी तो वो रुक पाएगा। जब हम समय नहीं निकालेंगे तो क्या रखेगा? वचन क्या कहता है? अफसरों को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वाक्य में दिन बुरे हैं मेरे जीजो। परमेश्वर कहता है कि अफसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। और मेरे जीजो, इस समय जो अंतिम दिन चल रहे हैं, हमें और आपको अलर्ट मूड पे रहना है। अगर हम ही और आप सोते रहे, हम ही और आप अगर लापरवाह रहे तो शैतान हमको क्या करेगा? फाड़ खाएगा। वचन कहता है कि अफसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है आशीष पाने का, मौका दिया छुटकारे का। आज मौका है। आज लोगों की जान खेलते खेलते नाचते नाचते जा रही है। आज लोग इधर से उधर गिर पड़े हैं एक्सीडेंट में, कितने भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं। परमेश्वर हमको मौका दे रहा है। आज नौजवान में अश्लीलता हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन प्रभु हमें मौका दे रहा है कि हम प्रार्थना करें, चर्च जाए, वचन सुने और परमेश्वर में समय बिताए ताकि हम सुरक्षित रहें। और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो भी सुरक्षित रहेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा आप हमारी आंखें खोली और इस चैलेंज के पिता जिन लोग जुड़ रहे हैं पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना। आज पिता परमेश्वर वाक्य जो हमें मौका दे रहे हो ये अद्भुत है पिता। इस प्रार्थना वचन के द्वारा प्रतिफल हमारे जीवन में आने पाए मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हर रोज कोई ना कोई संदेश देते हैं। जय मसीह।